हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्च सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा ईएसआईसी फार्मासिस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सो ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 2014 ईयर में एंड इस पेपर में टोटल 70 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो थे वो आपके फार्मेसी रिलेटेड थे उन सेवेंटी एम को मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा इस पेपर की पी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अब अपने रेफरेंस के लिए इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं एंड क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से सो so पहला क्वेश्चन है द प्लास्टिसाइज़र यूज इन कोटिंग सॉल्यूशन इज़ सो कोटिंग सॉल्यूशन में कौन सा प्लास्टिसाइज़र यूज़ होता है सो ऑप्शंस हैं पोलीथाइलिन ग्लाइकोल कैस्टर ऑयल पोली ग्लाइकोल और ऑल ऑफ द अवाव सो इसमें तीनों ही आपके पोलीथाइलिन ग्लाइकोल भी ऑयल एंड पोली प्रोपाइलिन ग्लाइकोल ये तीनों ही आपके कोटिंग सोल्यूशन में एज अ प्लास्टिसाइजर यूज़ किए जाते हैं सो so, इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अवाब जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलिंग इज यूज एज वर्ल्केनाइजिंग एजेंट फॉर रबर्ट सो so, रबड़ के लिए इनमें से कौन सा बल्कनाइजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है सो so, ऑप्शन है जेड एन ओ सल्फो सी एच ओ थ्री और जिंक सल्फेट सो इसमें करेक्ट आंसर आपका रहेगा सल्फर सल्फर इज़ यूज एज बल्कनाइजिंग एजेंट फॉर रबड़ नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश स्टरलाइज टेलकम पाउडर मोस्ट इफेक्टिवली तो टेलकम पाउडर की इफ़ेक्टिवली स्टरलाइज करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है ऑप्शंस आर ड्राई हीट ऑटोक्लेविंग, गैस स्टरलाइजेशन और फ्रीज ड्राइंग सो इसमें ड्राई हीट जिसमें हॉट ईयर ओवन आपका आता है वो आपका यूज़ किया जाता है टेलकम पाउडर को स्टरलाइज करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ विंग्स और रैग्ड एक्सटेंडिंग एजेस अबाउट पेरीफ्री ऑफ द टेबलेट इज कॉल्ड सो विंग्स और रेग्ड की फॉर्मेशन एजिस को जो एक्सटेंड कर देगी अबाउट द पेरीफ्री ऑफ द टैबलेट तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या नाम दिया जाता है तो ऑप्शनस आर मॉडलिंग पिकिंग विस्करिंग और कैपिंग तो इसमें करेक्ट आंसर आपका रहेगा विस्करिंग ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कौन कंस्टिट्यूट करता है सो इट इज़ कंस्टिट्यूटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करती है आपकी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरापैथाइट इज फॉर्म्ड इन कंपैटिबिलिटी ऑफ सो हेरापैथाइट जो है उसकी फॉर्मेशन होती है किस टाइप की इनकम्पैटिविलिटी में so, इसमें ऑप्शनस हैं alkaloidal salt विद अल्कोलाइन substances alkaloidal salt with soluble वॉर्बिची रेट्स अल्कोलोइडल सॉल्ट विद सोल्युल आयोडाइड्स और लिक्यूराइस लिक्विड एक्सट्रैक्ट तो इसमें एक करेक्ट आंसर आपका रहेगा alkaloidal salt विद soluble आयोडाइड्स इस टाइप की इनकम्पेटिबिलिटी में आपकी हेरापेथाइड की फॉर्मेशन होगी तो so, इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस ब्रांड इनो इज एन एग्जाम्पल ऑफ सो इनो जो है वो किस चीज किस टाइप की टैबलेट्स या किस टाइप का एग्जाम्पल है ऑप्शनस हैं इफ़रवेसेंट ग्रेन्यूल्स ड्राई सील्ड सेशे टेबलेट ट्राइचूरेट और पाउडर सो ये है आपका एफरबेसेंट ग्रेन्यूल्स ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है जेफरेन इज़ अ डैश सरफेक्टेंट सो किस टाइप का सरफेक्टेंट है होता है आपका जेफरेन ऑप्शनस आर एनाइनिक कैटाइनिक नॉन आइनिक और एम्फोलाइटिको जेफिरेन इज अ केटाइनिक टाइप ऑफ सरफेक्टेंट सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टोलियन इज यूज एज तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टोल्यून का यूज़ क्या रहता है सो ऑप्शनस आर एन एंटी ऑक्सीडेंट सस्पेंडिंग एजेंट और अ कलरिंग एजेंट सो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टोल्यून इज यूज एंटी ऑक्सीडेंट ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लिसरीन सुपोजिटरीज कंटेनिंग नाइन्टी टू परसेंट ग्लिसरीन आर सोलिडिफाइड बाई एडिशन ऑफ सो जो ग्लिसरीन सुपोजिट्रीज होती हैं उसमें नाइंटी टू परसेंट ग्लिसरीन होता है एंड uh, इसको सोलिडिफाई किया जाता है किस एजेंट की एडिशन की हेल्प से सो ऑप्शन हैं वाइट वैक्स स्टेरिक एसिड सोडियम स्टेरेट और पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल फोर थाउजेंड सो इसमें सोलिडिफाइंग के लिए जो एजेंट यूज़ किया जाता है दैट इज स्टेरिक एसिड ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पब्लिश द इंडियन फार्माकोपिया इंडियन फार्माकोपिया को कौन पब्लिश करता है ऑप्शंस आर सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और सेंट्रल इंडियन फार्माकोपियल लेबोरेटरी तो इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड एसीटेट कॉटन वूल इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक टू तो लेड एसिटेट कॉटन बूल का यूज़ किया जाता है आर्सनिक के लिमिटेस्ट में एंड इसका यूज़ किस लिए किया जाता है सो ऑप्शन हैं इसमें मेक द आर्साइन गैस डेवलप द येलो कलर ट्रैप द एच टू एस गैस और नन सो इसमें लेड एसिटेट कॉटन बूल का यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को ट्रैप करने के लिए सो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा इज अ कॉमन नेम फॉर तो वॉशिंग सोडा किसका कॉमन नेम है सो so एन Na2CO3, सी ओ थ्री एन ए टू सी ओ थ्री के टू सी थ्री और एन ए ओ एच सो इट इज सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट इज द अनदर नेम फॉर वॉशिंग सोडा सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज नॉन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है ऑप्शन आर सस्पेंशन ऑफ एम जी सस्पेंशन ऑफ MgO, सस्पेंशन ऑफ एम जी और सस्पेंशन ऑफ मिल्क एंड MgO. जी so, तो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज सस्पेंशन ऑफ एम जी तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्डेंट ब्लैक इज यूज एज एन इंडिकेटर इन द टाइट्रेशन ऑफ तो मॉर्डेंट ब्लैक जो है वो एज एन इंडिकेटर यूज किया जाता है किसकी टाइट्रेशन में सो so इसमें ऑप्शन है कैल्शियम लैक्टेट सोडियम एसीटेट अमोनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो मॉडर्न ब्लैक जो है वो कैल्शियम लैक्टेट की टाइट्रेशन में एज एन इंडिकेटर यूज किया जाता है सो so इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसोसिएटेड विद एस्टमिक हार्ट डिजीज सो एस्टेमिक हार्ट डिजीज में इनमें से कौन सी कंडीशन एसोशिएटेड नहीं है सो ऑप्शन आर एंजीनापेक्टोरिस हाइपर टेंशन माइकार्डियल इंफेक्शन और कंजेस्टिव हार्ट डिजीज नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ए टू इज यूज एज सो सीए टू का यूज क्या रहता है ऑप्शन आर एंटासिड एसिडीफायर बफर और रेस्पिरेटरी स्टिमूलेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज फॉर ट्रीटिंग डेंड्रफ डेंड्रफ को ट्रीट करने के लिए किसका यूज किया जाता है सो ऑप्शन आर सेलेनियम सल्फाइड सल्फर, येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और टिटेनियम डाइऑक्साइड। सो डेंड्रफ एंटी डेंड्रफ एजेंट है इसमें से आपका सेलेनियम। सेलेनियम सल्फाइड इज एन एंटी डेंड्रफ एजेंट सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम फ्लोराइड इज यूज टू क्योर सोडियम फ्लोराइड किस कंडीशन को क्योर करने के लिए यूज so, 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 किया जाता है ऑप्शन आर इन्फ्लमेशन ऑफ माउथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एसिडिटी और डेंटल कैरिज सो सोडियम फ्लोराइड इज यूज टू क्योर डेंटल कैरिज सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन सो सोडियम मेटल को किस में स्टोर किया जाता है ऑप्शनस आर बेल कंटेनर कैरोसिन बैग्स और मिथेनॉल सो आपका सोडियम मेटल स्टोर किया जाता है कैरोसिन में सो so, इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी गिवन विद सो टेट्रासाइक्लिन को इनमें से किसके साथ नहीं दिया जाना चाहिए सो ऑप्शन आर मिल्क अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल बीट रूट और ऑल ऑफ द अब सो टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी गिवन विद मिल्क एज वेल एज अलमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड बीट रूट तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अवर इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है केलर किलियानी टेस्ट इज स्पेसिफाइड फॉर सो केलर किलियानी टेस्ट जो है वो किसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है सो ऑप्शन आर एंथ्राकिनॉन क्लाइकोसाइड्स कार्डियोग्लाइकोसाइड्स सेपोन और फ्लैबनोइड्स सो so, आपका कैलर क्लानी के टेस्ट जो है वो आपका कार्डियोग्लाइकोसाइड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है सो so, इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वार्क ड्रग इज़ यूज एज कार्डियोटॉनिक इनमें से कौन सा वार्क ड्रग जो है वो एज अ कार्डियोटॉनिक यूज होता है ऑप्शंस आर अशोका सिनेमन अर्जुना और टीरोकार्पस सो इट इज़ अर्जुना ज कार्डियोटॉनिक सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑयल इज ने सोर्स ऑफ विटामिन ए विटामिन ए का ने सोर्स कौन सा है ऑप्शन ऑयल हिनोकापस ऑयल कैस्टर ऑयल और शार्क लीवर ऑयल सो विटामिन ए का नेचुरल सोर्स है आपका कोड लीवर ऑयल सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज बोटेनिकल सोर्स ऑफ इंडियन सेना इंडियन सेना का बोटेनिकल सोर्स क्या है तो इंडियन सेना आपका ड्राइड लीफलेट्स से ऑप्टेन होता है एंड बायोलॉजिकल बोटेनिकल प्लांट का नाम है आपका कैशिया एंगस्टीफोलिया तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्बाइंड अम्बेली फेरोन टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर कम्बाइंड अम्बेली फेरोन टेस्ट किसके लिए पॉजिटिव रहेगा ऑप्शन सा नटमैग एसाफॉइटीडा टोलूवालसम और गूगल सो कम्बाइंड अम्बेली फेरोन टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर एसाफॉइटिडा ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोफिब्रेट रिड्यूसेस द सो क्लोफिब्रेट क्या चीज़ रिड्यूस करता है किसके लिए यूज़ किया जाता है ऑप्शनस आर ब्लड प्रेशर हार्ट रेट एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड लेवल और फीवर सो क्लोफिबरेट रिड्यूस द एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द मेजर लिपिड कंस्टोटेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का मेजर लिपिड कंस्टिटेंट कौन सा है आर फोस्फोलिपिड ग्लाइकोलिपिड्स कोलेस्ट्रोल और फैटी एसिड इसमें फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो आपके मेजर कंस्टेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के मेजर लिपिड कंस्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर इंडेक्स इंडिकेट्स सो कलर इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है सो so इसमें ऑप्शन हैं ऑप्शन ए है रिलेटिव अमाउंट ऑफ डब्ल्यू बी सी प्रजेंट पर सी एम एम ऑफ ब्लड ऑप्शन बीज रिलेटिव अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन प्रजेंट इन सिंगल आर बी सी ऑप्शन सी इज रिलेटिव अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन हंड्रेड डब्ल्यू और रिलेटिव अमाउंट ऑफ आरबीसी प्रेजेंट पर सी ऑफ ब्लड सो कलर इंडेक्स जो है इट इंडिकेट्स अ रिलेटिव अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन सिंगल आर सो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मॉर्फिन सो नेलोगन मॉर्फिन के साथ कैसे रिलेटेड है ऑप्शन आर एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट मिक्सड एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट और ऑल ऑफ द अब सो नैलजोन जो है वो मॉर्फिन एंटागोनिस्ट है सो so इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटेलिस इज गिवन टू द पेशेंट्स सफरिंग तो डिजिटेलिस जो है उन पेशेंट्स को दिया जाता है जो कि किस कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं ऑप्शन आर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर एट्रियल फ्लटर और ऑल ऑफ द अब सो डिजिटलिस जो है वो इन तीनों कंडीशंस वाले पेशेंट्स को दिया जाता है सो so, इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबब इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डायफ्रैग इज सो अफ्रैग क्या है सो so, इसमें ऑप्शन हैं आपके स्केलेटल मसल स्मूथ मसल बॉन कैविटी और आर्टरी सो so, डाई जो है वो आपकी एक स्केलेटल मसल है सो so, इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन्स का फंक्शन इनमें से कौन सा है ऑप्शनस आर रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर हेल्प्स इन कोगुलेशन प्रोसेस और ऑल ऑफ द अवर सो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो आपके इन तीनों कंडीशंस जो है इन तीनों फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं सो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अव इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन हैव नो कैविटी ठीक है किस बोन में कैविटी नहीं होती है ऑप्शन आर स्कैपुला क्लेविकल अल्ना और नन ऑफ द अव सो so, आपका जो स्केपुला होता है स्केपुला में कोई भी कैविटी नहीं होती है सो so इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोनियाजिड इंड्यूस पेरीफ्रल न्यूराइटिस कैन बी प्रीवेंटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ so, सो आइसोनियाजिड जो है वो पेरीफ्रल न्यूराइटिस कोज करता है ठीक है एंड uh, इस कंडीशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं किस एजेंट को एडमिनिस्टर करवा के सो ऑप्शंस आर एंटी कन्वर्जेंट्स एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स विटामिन बी सिक्स और विटामिन बी ट्वेल्व सो इसमें हम विटामिन बी सिक्स दैट इज पेरेडोक्सिन इसकी एडमिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन आइसोनियजेड के साथ करवाएंगे सो देन पेरीफल न्यूराइटिस कंडीशन विल नॉट बी कोस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑइंटमेंट बेस ऑफ मिनरल ओरिजन इज सो मिनरल ओरिजन का ऑइंटमेंट बेस कौन सा है ऑप्शनस आर ऑलिव ऑयल कॉटन सीड ऑयल कैस्टर ऑयल और पैराफिन वैक्स सो इनमें से पैराफिन वैक्स जो है वो आपका ऑइंटमेंट बेस है ऑफ मिनरल ऑरिजन सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी डैश ईयर्स। जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो आपकी हर पाँच साल में रिकॉन्स्टिट्यूट होती है सो so, इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल गिव्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ मकैनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मकैनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव के स्टैंडर्ड्स किस शेड्यूल में दिए गए हैं ऑप्शन आर शेड्यूल सी शेड्यूल एफ थ्री शेड्यूल डी और शेड्यूल आर सो दीज आर गिवन इन शेड्यूल आर शेड्यूल आर में आपके स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं मकैनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव के नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड द ड्रग इंस्पेक्टर्स आर अपॉइंटेड तो इंडियन पिनल कोड के किस सेक्शन के अंडर ड्रग इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है सो ऑप्शन हैं आपके सेक्शन ट्वेंटी थ्री सेक्शन सेवनटीन सेक्शन ट्वेंटी वन और सेक्शन ट्वेंटी टू सो ये सेक्शन है आपका सेक्शन ट्वेंटी वन सेक्शन ट्वेंटी वन के अंडर आपके ड्रग इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट ओपीएम ऑफिसर अपॉइंट्स वन कल्टिवेटर एज सो जो डिस्ट्रिक्ट ओ पी एम ऑफिसर है वो एक कल्टीवेटर को अपॉइंट करता है किस रूप में सो इट इज अपॉइंटेड एज लम्बरदार इट इज अपॉइंटेड एज लम्बरदार सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनो इज इज सो वाविटोन किस कैटेगरी का ड्रग है सो इट इज अ लॉन्ग एक्टिंग बारविचुरेट ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ड्रग स्टोर द एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशन आर कॉल्ड ड्रग ड्रग स्टोर में जो आपकी है आपकी एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशन होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है सो दीज आर नॉन एज ऑब्सोलीट आइटम्स ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर तो एम्बुलेटरी पेशेंट्स कौन से होते हैं तो एम्बुलेटरी पेशेंट्स वो पेशेंट्स होते हैं जिनको आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में ट्रीटमेंट लेने के बाद घर भेज दिया जाता है ठीक है एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन ओ पी डी इज़ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन इनमें से कौन सा एक जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन है सो so इसमें आपके ऑप्शन हैं एडिशन ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपर सिंड्रोम कार्सिनोजेनेसिटी और एडियोसिनक्रेसी सो जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन आपका होता है एडियोसिनक्रेसी सो so इसमें ऑप्शन डीज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ओ द फॉलइंग कैन बी यूज फॉर काउंटर एक्शन फॉर पॉइजनिंग कोज्ड बाई ऑर्गेनोफोसफोरस कम्पाउंडस सो इनमें से कौन सा एजेंट जो है वो यूज़ किया जाता है ऑर्गेनोफोसफोरस कम्पाउंडस की पॉइजनिंग की वजह से ठीक है सो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कम्पाउंडस के लिए एंटीडॉट पूछा गया है बेसिक टर्म्स में सो so, ये आपका रहता है ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज यूज इन रेडिएशन स्टरलाइजेशन रेडिएशन स्टरलाइजेशन में कौन यूज किया जाता है ऑप्शन है आपके एक्स रेज बीटा रेज गामा रेज और यूवी रेज सो रेडिएशन स्टरलाइजेशन में आपकी गामा रेज जो हैं वो है वो यूज किए जाते हैं सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज सबस्टांसिस इज यूज एज एंटी कोगुलेंट इनमें से कौन से सब्सटेंसेस जो हैं वो एज एन एंटी कोगुलेंट की तरह यूज किए जाते हैं सो ऑप्शन हैं आपके सोडियम सिट्रेट सोडियम क्लोराइड सोडियम पेरोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड सो आपका जो सोडियम सिट्रेट है सोडियम सिट्रेट इज यूज एज एंटी कोगुलेंट सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है शोल्डर ऑफ द सिलेंडर ऑफ सीए टू इज पेंटेड तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर आपने हॉस्पिटल्स में या अदर काफ़ी एरियाज़ पे आपने देखा होगा तो उसका जो शोल्डर होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाले सिलेंडर का तो वो किस कलर से पेंट किया जाता है सो इट इज़ पेंटेड विद ग्रे कलर इसमें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट इसमें आपको ऑक्सीजन सिलेंडर नाइट्रो नाइट्रोजन सिलेंडर इन सभी के जो शोल्डर एंड बॉडी है उसके कलर्स आपको पता होने चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज एज एंटी कन्वर्जेंट इनमें से एंटी कन्वर्जेंट की तरह कौन सा एजेंट यूज किया जाता है पेंटोवाविटोन फिनोवाविटोन साइक्लोवाविटोन साइक्लोवार्बिटोन और वार्बिटोन सो एंटी कन्वर्जेंट जो है वो आपका रहता है फिनोवार्बिटोन सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ नॉन स्टीरोडल एंटी ड्रग इज़ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो क्या रहता है ऑप्शन है आपके सिडेशन किडनी डैमेज हेड और अल्सरेशन सो अल्सर्स में जो है वो नसीड्स ना दिए जाते हैं क्योंकि नसीड्स जो हैं वो आपके अल्सरेशन कोज करते हैं तो so, इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिविटर ऑक्सीडेज माओ इनिवेटर इनमें से कौन सा ड्रग है ऑप्शन लिथियम सिट्रेट और एमिट्रिप्टिन सो माओ इनिवेटर है आपका सिप्रोमिन। ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्किंसन अकर्स ड्यू टू सो पार्किसन किस वजह से अक्कर होता है ऑप्शन सा डिप्लीशन ऑफ डोपामाइन एक्सेस ऑफ डोपामाइन एक्सेस ऑफ एपिनेफ्रिन और डिप्लीशन ऑफ एपिनेफ्रिन। तो पार्किंसन जो है वो आपका डोपामाइन की डिप्लीशन की वजह से होता है एंड इसके पार्किंसन में आपका लीवोडोपा जो है वो ड्रग दिया जाता है अलोंग विद कावी नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर क्लोव इज सो मदर क्लोव क्या है सो मदर क्लोव इज अ फ्रूट इट इज अ फ्रूट अडल्ट्रेंट होता है ये आपका क्लोव का सो so इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियोगलाइकोसाइड्स प्रजेंस बेसिक न्यूक्लियस ऑफ कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में कौन सा बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ऑप्शन सा ट्रोपेन ट्राइटोपिन कीनोलेन और साइक्लोपेंटिनोफिनथरीन सो कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रोजेसिस साइक्लोपेंटिनोफेन बेसिक न्यूक्लियस सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्चिकम इज कॉमनली नोन एज सो कोल्चिकम का कॉमन नाम क्या है ऑप्शन आर मौकसूद माहुआंग ऑटम क्रोकस और फिंगर फ्लावर सो कोल्चिकम का कॉमन नाम रहता है ओटम क्रोकस सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट हुआंग पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हुआंग है आपका एफेड्रा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल फाइबर गिव्स टेस्ट फॉर सल्फर इज सो नेचुरल फाइबर जो है बहुत टेस्ट फॉर सल्फर देगा कौन सा नेचुरल फाइबर टेस्ट फॉर सल्फर देगा सो so ये आपका नेचुरल फाइबर है बूल बूल गिव्स टेस्ट फॉर सल्फर सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश लीफ इज टू बी ड्राइड एट 60 डिग्री सेल्सियस इमिडिएटली आफ्टर कलेक्शन कौन से लीव्स जो हैं उनको कलेक्शन के इमीडिएटली बाद में 60 डिग्री सेल्सियस पे ड्राई किया जाता है ऑप्शंस हैं डिजिटेलिस सेना दतूरा हायोसाइमस सो ये आपका रहता है डिजिटेलिस ऑप्शन ए इज करेक्ट डिजिटेलिस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसमें आपको सारी चीज़ें पढ़नी रहती हैं इसका कल्टीवेशन बायोलॉजिकल सोर्स फैमिली डिस्क्रिप्शन इसकी जो माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स होते हैं इसमें कौन सा स्टोमेटा प्रेजेंट होता है कौन से इसके केमिकल कंस्टेंट हैं क्या इसका यूज है वह सारी चीज़ें डिजिटेलिस में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली पढ़नी रहती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम मेराइन सोर्सेज मेराइन सोर्सेज से कौन सा कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग ऑप्टेन होता है ऑप्शंस आर अगार हनी अकेशिया और इसब गुला सो so, ये ड्रग है आपका अगार अगार इज ए कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग विच इज ऑप्टेन फ्रॉम मेराइन सोर्सेज नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इज इनहिबिटेड बाय डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज किस ड्रग से इनहिबिट होता है ऑप्शन आर ट्राईमिथोप्रेम पेरीमिथामिन मिथोट्रेगजेट और ऑल ऑफ द अब सो आपका जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टिव है इट इज इनहिबिटेड बाय ऑल ऑफ द अब ड्रग्स सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज एज एन अडल्ट्रेंट ऑफ बेंजोइन बेंजोइन का अडल्ट्रेंट इनमें से कौन सा ड्रग है ऑप्शंस आर मेर कोलोफोनी एसाफॉर्टिडोर वालसम सो so, कोलोफोनी जो है वो यूज किया जाता है एज एन अडल्ट्रेंट ऑफ वेंजोइन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज एज मॉस्किटो रिपेलेंट मॉस्किटो रिपेलेंट की तरह कौन सा ड्रग यूज किया जाता है ऑप्शन सर पुनर्नवा हायोसाइमस पायरेथ्रम और एफेड्रा सो so, द करेक्ट आंसर इज पायरेथ्रम पायरेथ्रम इज यूज एज मॉस्किटो रेपेलेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफेम्पिसिन सो एफेम्पिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है सो so, रेफेम्पिसिन जो है वो आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए एन इनहिबिटर है सो इट एक्ट वाई इनिवेशन ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए एन सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है माओपिया इज़ करेक्टराइज बाय वन ऑफ द फॉलोइंग सो माओपिया के कैरेक्टर स्टिक्स जो है इनमें से किस स्टेटमेंट में दी गई हैं ऑप्शन ए है पर्सन कैन सी द नीर ऑब्जेक्ट्स परफेक्टली पर्सन फाइंड डिफिकल्टी इन सीइंग द नीर ऑब्जेक्ट्स पर्सन कैन सी द फार ऑब्जेक्ट्स परफेक्टली और पर्सन कैन सी नीयर एंड फार बोथ ऑब्जेक्ट्स विद डिफ़िकल्टी तो माओपिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो पर्सन है वो नजदीक वाले ऑब्जेक्ट्स को परफेक्टली देख सकता है इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन इनमें से लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कौन सी है ऑप्शन आर ग्लोबुलिन ग्लोबुलिन जिंक इंसुलिन ऑप्शन बी इज इंसुलिन जिंक सस्पेंशन ऑप्शन सी इज़ प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन सस्पेंशन और आइसोफेन इंसुलिन सस्पेंशन सो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है आपकी प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन सस्पेंशन सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट स्प्रेड बाय मॉस्किटो इनमें से कौन सा डिजीज जो है वो मॉस्किटो से स्प्रेड नहीं होता है ऑप्शन आर येलो फीवर क्यू फीवर फिलेरियल और डेंगू सो इसमें जो क्यू फीवर है इट इज नॉट स्प्रेड बाय मॉस्किटो रेदर ये जो है वो बैक्टीरिया से स्प्रेड होता है क्यू फीवर नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द दे सेलेक्टिव बीटा टू रिसेप्टर ब्लॉकर। इनमें से बीटा टू रिसेप्टर ब्लॉकर सेलेक्टिव बीटा टू रिसेप्टर ब्लॉक कौन सा ड्रग है ऑप्शन सर सेल बिटोक्सामाइन एटेनोलोलोर डो ब्यूटामाइन सो सेलेक्टिव बीटा टू रिसेप्टर ब्लॉकर है आपका ब्यूटोक्सामाइन ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंथिन अल्कोलोइड्स एक्ट एज सो जेंथिन अल्कोलोइड कैसे एक्ट करते हैं क्या इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है सो ऑप्शन हैं बीटा लैक्टेमेज इन्हीविटर गावा रिलीज इन्हीविटर फोसफोर इन्हीविटर

नियोस्टिगमिन जो है वो यूज होता है सो तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज सेलेक्टिव आर्टीरियल बेसोडाइलेटर सेलेक्टिव आर्टीरियल बेसोडाइलेटर इनमें से कौन सा ड्रग है ऑप्शन आर मिनोक्सीडिल डाइजॉक्साइड हाइड्रोजीन और लोसार्टन सो सेलेक्टिव आर्टीरियल बेसोडाइलेटर है आपका हाइड्राजीन ऑप्शन सी इज करेक्ट तो so, यहाँ पर हमने इस पेपर में ई एस आई सी फार्मासस्ट टू थाउजेंड फोर्टीन फार्मास कोशन पेपर में सेवेंटी फार्मासिस्ट रिलेटेड एम सी के क्वेश्चन थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं पी डी एफ़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अपने रेफरेंस के लिए आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं एंड क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ ही में आने वाले दिनों में और ई एस आई सी फार्मासिस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा एंड साथ में सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन वीडियोस भी आपके लिए लेके आऊँगा सो so, मिलते हैं आने वाली वीडियोस में सो थैंक यू वेरी मच